अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर इकाई ने स्थायी परिसर एवं अस्थायी परिसर में मूलभूत सुविधाएं न मिलने के अभाव में प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और लगातार दूसरे दिन भी कक्षाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। 9 दिनों के लगातार प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के नुमाइंदे छात्रों से बात करने उनके बीच शाहपुर परिसर में आए, लेकिन जैसे ही छात्रों ने अपनी समस्याएं उनको बताई तो वे छात्रों के सवालों का सामना नहीं कर पाए तथा छात्रों की समस्याओं का अनसुना कर वापस चले गए। इसके उपरांत छात्र और भड़क गए तथा उन्होंने शाहपुर परिसर में पूरे सप्ताह पूर्ण रूप से कक्षाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि जिस प्रकार से 11 वर्षों में प्रदेश और केंद्र में रही सरकारों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, वो भी काफी निराशाजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सभी अस्थायी परिसरों में मूलभूत सुविधाएं देने में भी असमर्थ है, जिसके चलते छात्र शक्ति को कक्षाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसके बाद इकाई अध्यक्ष साहिल राणा ने संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं करता है तो ये आंदोलन और उग्र होगा और पूर्ण रूप से इसका जिम्मेदार प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन होंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर हो रहे विरोध नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया सरकार का पक्ष रखने धर्मशाला पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार से जो भी विस्थापित होंगे उन्हें बसाया जाएगा तथा उन्हें फैक्टर वन के तहत मुआवजा दिया जाएगा। एयरपोर्ट विस्तार से जिला कांगड़ा सहित प्रदेश की पर्यटन की दृष्टि से दशा और दिशा बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते विस्थापित होने वाले लोगों के मुआवजे हेतु 660 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जो भी विस्थापित होंगे उनके लिए अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी। एयरपोर्ट विस्तार पर विपक्ष द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे में सकारात्मक माहौल खड़ा करना अति जरूरी है। सीएम जयराम ठाकुर के पास पर्यटन को लेकर विजन है। एयरपोर्ट का विस्तार होने से उच्च घरानों के पर्यटकों का प्रदेश में आगमन होगा, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। इस अवसर पर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया भी उनके साथ थे। कोरोना वायरस का असर जहां विश्व भर में देखने को मिल रहा है, वहीं इससे तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा की शिक्षाएं भी प्रभावित हुई। यही नहीं, तिब्बत निर्वासित सरकार मुख्यालय मैक्लोडगंज में होने वाली तिब्बती धर्म गुरु की शिक्षाओं पर भी असर पड़ा है। तिब्बत निर्वासित सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी फुचुंकू ने कहा कि पूरे विश्व में जो भी अनहोनी चीज होती है वो चीन से ही होती आई है। कोरोना वायरस के माध्यम से जो भी मरीज आए हैं वो चीन से ही आए हैं। ये वायरस काफी लंबा रहा, आज तक कोई भी वायरस इतना लंबा समय नहीं रहा। इसको लेकर चीनी शासक भी दुविधा में है, वही पूरा विश्व संकोच में है। इस वायरस की वजह से पूरे विश्व की मुद्रा में गिरावट आई है। चीनी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के विशेष दौरे पर धर्मशाला में दलाई लामा की शिक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि इस वायरस का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। दलाई लामा की कुछ गतिविधियां वायरस की वजह से स्थगित करनी पड़ी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वालामुखी इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन व छात्रों की मांगों के संदर्भ में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई, जिसमें वीरेंद्र रितिका सैलजा मनीष रोहित सुधीर और अनिशा रहे। गौरतलब है कि छात्रों की मांगों व समस्याओं को लेकर एबीवीपी ज्वालामुखी कॉलेज इकाई ने कॉलेज प्रिंसिपल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। उनके माध्यम से सौंपी गई समस्याओं को जल्द हल न करने पर एबीवीपी ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है। एबीवीपी द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर कोई सुनवाई न होने के कारण सरकार से रुष्ट कार्यकर्ताओं ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। परिषद कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में मांग की है कि प्रदेश विश्वविद्यालय परिणाम व पूर्ण मूल्यांकन के परिणाम को समय पर घोषित किया जाए।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि संगठन के प्रदेश महामंत्री पवन राणा, जो कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं, वे संगठन के कार्य में व्यवस्था के कारण ज्वालामुखी में नहीं आ पाए हैं। उनकी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ज्वालामुखी के कार्यक्रमों में न आ पाने के लिए अपनी व्यवस्था बताई थी और आज ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में चंगर और बलिहार क्षेत्र में विकास की कई योजनाओं की जहां शिलान्यास व उद्घाटन हुए, वहीं पर नई योजनाओं की घोषणा भी हुई। उन्होंने माना कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्ष के बाद आने का मौका मिला है। वे प्रयास करेंगे कि यहां पर समय समय पर आते रहें और विकास की गति को बढ़ावा देते रहें। स्वान नदी से अवैध खनन कर पुलिस ने पंजाब को जा रहे करीब 2 दर्जन वाहन पकड़े हैं। पुलिस ने इन वाहनों के चालान काटकर करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की अचानक कार्यवाही क्षेत्र के खनन माफिया में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों पर आधारित टीम ने बाथू में नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने पंजाब की ओर जा रहे ओवरलोड टिपरों को पकड़ा। पुलिस पूरा दिन पकड़े गए टिपरों का कंडा करवाने में जुटी रही, लेकिन पुलिस ने टिपरों के ओवरलोड के चालान न काटकर बल्कि माइनिंग एक्ट के तहत ही कार्रवाई की है। एएसपी का कहना है कि टहलीवाल में सवा और कई जगह से 24 के करीब वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में रेत से भरे टिपरों के चालान काटकर 2 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की माने तो जिला में अवैध माइनिंग के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई चलती रहेगी।